नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा यूपी में धमाकेदार वापसी करने की कोशिश में है तो विपक्ष अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की जुस्तजू करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल सपा और कांग्रेस में एक बार फिर से सीट बंटवारे पर घमासान होने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के तहत राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ चुनाव लड़ना लगभग तय है, लेकिन 10 सीटों में से किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी अभी तक तय नहीं हो पाया। दोनों ही दलों की ओर से सीटों को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल उपचुनाव से पहले सपा के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल दिखाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की ओर से उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभारियों के नाम का ऐलान कर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई। दूसरी ओर सपा ने भी 6 सीटों पर अपने प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया, हालांकि उसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा होने लग गई है कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस में रार देखने को मिली थी, कहीं अब यूपी में वही तो नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस को एमपी में शिकस्त मिली। खैर, अब यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 5 सीटों की डिमांड कर दी। बीते लोकसभा चुनाव की सफलता ने यूपी कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। पार्टी को 19 से ज्यादा मिली सफलता के बाद इस उपचुनाव में पार्टी और आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। बीते चुनाव में कांग्रेस ने 20 सीटों पर दावा किया था, तब गठबंधन के तहत 17 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने राज्य में 17 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की और अब उपचुनाव से पहले फिर से एक बार अपने जनाधार को खड़ा करने की तैयारियां तेज कर रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव में फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंजुआ, मीरापुर सीट की डिमांड रखी है। बीते विधानसभा चुनाव में सपा ने भी सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, कठेरी और मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। यानी देखा जाए तो जिन सीटों पर सपा जीती थी उनको छोड़कर सभी 5 सीट कांग्रेस मांग रही है। लेकिन दूसरी ओर सूत्रों की माने तो सपा इस गठबंधन के तहत कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही देने के लिए तैयार है। बहरहाल नवंबर के आसपास उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले दोनों ही गठबंधनों ने तैयारियां शुरू कर दी। अब इंडिया गठबंधन यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच कैसे सीटों का बंटवारा करता है और किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस या सपा को उनके मन के अनुसार सीटें नहीं मिली तो क्या दोनों का सामंजस्य बन पाएगा। सवाल कई हैं मगर जवाब भविष्य की गर्त में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। Thank you.